क्लास फोर. दिस इज़ योर वर्कशीट ऑफ इंग्लिश. योर बुक इज़ ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज एंड इंटरेक्टिव कोर्स इन इंग्लिश एंड दिस इज़ द वर्क बुक फोर. सो हियर वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू तानसेन द मैजिकल म्यूजिशियन एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट. इट इज़ द ग्रामर विच यू हैव टू लर्न. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आप एक आर्टिकल को पढ़िए या पोएम को और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दीजिए. तो दिस पोएम इज़ बाय रस्किन बॉन्ड, RUSKINBOND, रस्किन बॉन्ड. ही लिव्स इन मसूरी. ही इज़ एन इंग्लिश मैन बट ही हैज़ चूज टू लिव इन इंडिया इन मसूरी नियर देहरादून विच इज़ इन उत्तराखंड एंड ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स एंड पोएम्स ऑफ चिल्ड्रन. So this poem is about don't be afraid of the dark. अंधेरे से मत डरो. Don't be afraid of the dark, little one. नन्हे बच्चों तुम अंधेरे से मत डरो. The earth must rest when the day is done. क्योंकि जब दिन पूरा हो जाता है तो धरती को आराम की ज़रूरत है. The sun may be harsh, but moonlight never. हो सकता है सूरज बहुत तेज़ था लेकिन चाँद की जो रोशनी होती है कभी भी जो है वो तकलीफ़ नहीं देती. And those stars will be shining forever and ever. और जो ऊपर जो सितारे चमक रहे हैं तो हमेशा हमेशा चमकते रहेंगे. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, रात के साथ दोस्ती करो. देयर इज़ नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. सिर्फ अपने विचारों को ट्रैवल करने दो, यात्रा करने दो अपने दोस्तों के पास जो पास हैं या दूर हैं. बाय डे इट मस्ट सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन में तो लगता है जैसे हमारी मुसीबतें ख़त्म ही नहीं होंगी. सीज माने एंड फिनिश. बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन रात के समय जब बहुत देर हो जाती है सारी दुनिया सो जाती है और शांत हो जाती है. तो ये एक हो सकता है कोई टीचर हैं जो बच्चों को ये पोएम सुना रही हैं या जो कैंप में गए हुए हैं रात के समय किसी जंगल वगैरह में टेंट लगा के कैंपिंग करने गए हुए हैं. अब इससे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनके आंसर्स देंगे. सो हु डू यू थिंक इज द ऑडियंस इन दिस पोएम? हाउ डू यू नो? कौन है सुनने वाले? ऑडियंस का मतलब सुनने वाले. द ऑडियंस आर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं. द पोएट कॉल्स देम लिटिल वंस. कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि वो उनको लिटिल वंस कह के नन्हे बच्चों कह के बुला रहे हैं. What must the earth do at night? The earth must rest at night. धरती रात को आराम करना चाहती है, आराम करती है. What are the beauties of the night? Mention at least two. रात की सुंदरता में क्या क्या है? एक तो moonlight है, चाँद की रोशनी, और shining stars हैं, चमकते हुए तारे हैं. They are the two beauties of night. What must you think of at night and why? We must think of friends of far and near because they give us security and happiness. हमें दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए, वो हमें सुरक्षा देते हैं और हमें खुशी देते हैं. और ये टिक कर लीजिएगा. द राइम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आर नेवर एंड एवर. अब आप देखिए वोकैबुलरी में प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो वर्ड से पहले यूज़ किए जाए, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल, बिलीवेबल अनबिलीवेबल, बिहेव मिसबिहेव, अफ्रेड अनअफ्रेड, राइट का रीराइट, लीगल इलीगल, angle triangle, responsible irresponsible, sincere insincere, qualify disqualify, market supermarket, conception misconception. conception means किसी बात के बारे में पहले से सोच लेना. misconception गलत सोचना. known unknown, logical जिसका कोई तार्किक, और illogical जो अतार्किक हो. practical impractical. Then we come to grammar. Concrete and abstract nouns. Concrete nouns कौन से होते हैं? जो कि हम गिन सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं. और abstract nouns होती हैं feelings, जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं. तो आपको उनके बारे में select करके concrete और abstract nouns को लिखना है. तो concrete nouns में bat के साथ insect, plot, fence, bush, thicket माने झाड़ी, chisel माने छेनी, wing, discus होता है एक तरह का जो फेंका जाता है, डिस्कस थ्रो करते हैं एथलेटिक्स में, और हाउस. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्राइड, लोनलीनेस, रिलीफ, अफेक्शन, प्लेजर, टायर्डनेस, एंगर, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी.
BEAUTY ब्यूटी। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखिए, जब आप कोई बात कहते हैं एक जनरल बात, तो वो कहलाती है डिक्लेरेटिव। और अगर कोई आज्ञात्मक है या आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो वो होती है इम्परेटिव। आप चिल्ला के कुछ बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, और जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट इज़ इंटरोगेटिव। इनकी स्पेलिंग्स याद करिए। तो अब जैसे आपको ये सिचुएशंस दे रखी हैं तो आपको कई उससे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे पहला वाला आपके लिए बना रखा है, तो आप दूसरे वाले में इंटरोगेटिव में यू हैव जस्ट वन अ टेनिस टूर्नामेंट, हैव यू जस्ट वन अ टेनिस टूर्नामेंट, उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये सही कर लीजिएगा। यू हैव, और एक्सक्लेमेटरी में यू हैव वन द टूर्नामेंट, इम्परेटिव विन द टूर्नामेंट, ये आध्यात्मिक है, एंड डिक्लेरेटिव यू हैव वन द टूर्नामेंट। इसी तरह द टीचर हैज़ पोस्टपोन द इंग्लिश टेस्ट टू नेक्स्ट वीक, इंटरोगेटिव में हो जाएगा, हैज़ द टीचर पोस्टपोन द इंग्लिश टेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाइए, द टीचर हैज़ पोस्टपोन द टेस्ट, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, एक्सक्लेमेटरी के आगे एक लाइन और नीचे बिंदी लगती है, देन इम्परेटिव पोस्टपोन द इंग्लिश टेस्ट, यू आर ऑर्डरिंग समवन, डिक्लेरेटिव द टीचर हैज़ पोस्टपोन द इंग्लिश टेस्ट टू नेक्स्ट वीक, दिस इज इटसेल्फ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाते हैं। अब वर्कशीट टू पे आ जाइए, आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो हम सम कब यूज़ करते हैं, सम इज़ अ क्वांटिफायर, कुछ, तो हम कब यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए, और उसके वो कितने नंबर में है वो हमें नहीं पता, तब हम सम यूज़ करते हैं, और इसलिए एग्जैक्टली कितनी है ये ज़रूरी नहीं है बताना। और इसी तरह जब हम कोई नाउन काउंट नहीं कर सकते तो भी हम सम यूज़ करते हैं। तो हैव यू रेड एनी कॉमिक्स बिफोर, ओ येस आई लव कॉमिक्स, आई हैव मैनी कॉमिक्स इन माई लाइब्रेरी, रियली कैन आई बोरो सम, ऑफ कोर्स यू कैन, आई यूजली कैरी अ फ्यू कॉमिक्स इन माई बैग बट आई एम नॉट कैरिंग एनी टूडे, दैट इज़ ओके, यू कैन गेट सम टमोरो, आई हैव अ लॉट ऑफ मिस्ट्री नॉवल्स एट होम, वुड यू लाइक टू रीड वन, wow that sounds good, can I borrow a novel today, surely I'm sure we will have plenty of fun reading books together। तो ये हमने आर्टिकल्स होते हैं ए और एन वगैरह, और क्वान्टिफायर्स बताया मैंने, सम, अ फ्यू, एनी एट्सेट्रा, द ऑल्सो इज एन आर्टिकल, प्लेंटी इज एन आर्टिकल, एंड मैनी इज ऑल्सो एन आर्टिकल, मच इज ऑल्सो एन आर्टिकल, अ लॉट ऑफ etc. They are all articles. Now spelling पे आ जाइए, आप जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर द 26 letters और alphabets which you have learned since nursery. And now you have also learnt about vowels. So out of these 26 letters, 5 are vowels, A, E, I, O, U. So all those nouns, remember, all the nouns which start with these letters, we add an before them. An or a means one. तो उनसे पहले हम an use करेंगे, और बाकी के लिए हम consonants जो होते हैं तो उनको उनके आगे a लगाते हैं, ठीक है। तो अब there are such consonant sounds which are used together, जैसे break में b और r, b and r, drill, d and r, क्लब में सी एन एल, स्किल में एस के, स्ट्राइप में एस टी, ग्रेट में जी आर, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो एक साथ यूज़ करी जाती हैं। तो उसके और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, जैसे एफ एल का है फ्लावर, तो फ्लो, फ्लाई, फ्लैट, ये सब और वर्ड्स हैं, आप और भी ढूंढ सकते हैं। टी आर के लिए ट्रैवल, ट्राई, ट्रेन, ट्रैक, देन जी आर के लिए ग्रेट, ग्रो, ग्रेन, ग्रास, देन स्ट्रेट में आ जाता है स्ट्रॉल माने घूमना, स्ट्राइक माने मारना, स्ट्रिक्ट माने हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए एस क्यू में स्क्वाश इज़ अ गेम, और इट्स लाइक स्क्वाशिंग ऑल्सो मीन्स टू क्रश समथिंग, एंड स्क्विरल, एंड स्क्वेयर, एंड स्क्वाट, एस क्यू यू ए टी मीन्स बैठना, कुड़ू बैठना, देन ब्रश के साथ ब्रेन, ब्रास, ब्रास होता है पीतल, ब्रैट माने कोई बच्चा अगर बिगड़ा हुआ होता है उसको ब्रैट बोलते हैं, ड्रिल माने में आ जाता है ड्रेन, ड्रेन माने नाली, ड्रग जो खाती दवा होती है, और ड्रम बजाने वाला ड्रम,
तो ये जो है आप इस तरह से वर्ड्स बना सकते हैं। पंक्चुएशन क्या होती है, ये पहले वाला फुल स्टॉप है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, तीसरा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, उसको आपको सेंटेंसेस के आगे लगाना है। पहले में पॉइंट, दूसरे में क्वेश्चन मार्क, तीसरे में फुल स्टॉप, देन अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन क्वेश्चन मार्क, देन फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड? दे आर हैप्पी, दे आर प्लेफुल, द पेरेंट्स शो लव टू देम एंड दे आर केयर फ्री। देन अ स्टूडेंट, दे लर्न अ लॉट, दे इंजॉय गेम्स, दे ईट डिलिशियस फूड, दे ग्रो देयर नॉलेज डे बाई डे। यू कैन यूज़ अवर ओन सेंटेंसेज इफ यू वॉन्ट टू। एंड वॉट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ बींग अ ग्रोन अप? दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर एडवेंचरस, दे अर्न मनी, दे कैन टेक केयर ऑफ अदर्स, बी इट देयर पेरेंट्स और देयर फैमिली और पीपल इन द सोसाइटी ऑल्सो, सम ऑफ देम दे डू लॉट ऑफ सोशल वर्क। एंड वॉट अबाउट अ टीचर? दे गिव नॉलेज, दे इंक्रीज देयर ओन नॉलेज वाइल दे टीच, देयर ओन नॉलेज इज इंक्रीज्ड, दे आर रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स एंड दे आर रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी ऑल्सो। अ स्कूल बस ड्राइवर, दे इंजॉय ड्राइविंग, द चिल्ड्रन लव देम, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे लव द चिल्ड्रन। अ पायलट, दे इंजॉय फ्लाइंग, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, दे हैव वेल पेड जॉब्स, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर फ्लाइंग विद देम। सो वेन वी राइट इम्पॉर्टेंट वेन वी राइट इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट वी एड ऑल नेसेसरी डिटेल्स टू हेल्प आवर रीडर्स टू सी हेयर एंड फील वॉट वी वॉन्ट टू शो दैम। तो हमको जो है डिटेल्स देने पड़ते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं जो लोग, जो पढ़ने वाले देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें जो वो करना हम उन्हें करवाना चाहते हैं। जैसे माई कैट ब्रिंग्स अ रैट एंड लीव्स इट ऑन माई बेड, आई विश शी ब्रॉट अ फ्लावर इंस्टेड। अब इसमें आप डिटेल यूज़ करिए। माई सिली ब्लैक एंड वाइट क्रेजी कैट ब्रिंग्स अ स्टिंकी डेड रैट। स्टिंकी मीन्स बदबूदार होता है, जो क्या एक चूहा लेके आके मेरे बेड पर रख रही है। एंड लीव्स इट हैप्पली ऑन माई ब्यूटिफुल एंड क्लीन बेड, आई विश शी सेंसिबली गिफ्टेड अ लवली स्वीट स्मेलिंग रोज इंस्टेड। सेंसिबली में समझदारी से, अगर होता, अगर उसने मुझे एक प्यारा सा बहुत सुंदर महकता हुआ गुलाब रख दिया होता तो लेके आई मरा हुआ चूहा। तो इस तरह यहाँ पे आप उसको फिलअप करेंगे। लास्ट संडे आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन नियर द गेट ऑफ माई हाउस। From the top of a tree, I could see people, cows, bicycles, and cars going by. I whistled at the cat, which was trying to enter our kitchen through the open window. She was so scared, she sprinted away, तेजी से भाग गई, as fast as her feet could carry her. The cat had dropped something. I rushed down to see what it was. It was a sparrow. एक नन्ही चिड़िया थी, गौरैया। The sparrow was injured, यानी cat ने उसे पकड़ लिया था, वो घायल हो गई थी, injured. I picked the bird up and took it inside. The bird was frightened. चिड़िया बहुत डरी हुई थी। It fluttered its wings. वो अपने पंख फड़फड़ा रही थी। I laid it down. On my table, there was a bandage on my table. I cleaned it and used it to wrap the wound. लिख सकते हैं आप, या wrap the bird भी लिख सकते हैं। Wound माने घाव जो उसका था, उसको उसने उस पर bandage लपेट दिया। The sparrow slowly relaxed. The sparrow stayed in my room for a few days. One morning when I woke up, the sparrow had flown away. तो ये आप लिखिएगा, जो आपको ये space दे रखी है आपको इसमें अपनी हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर लिखना है।